आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर मध्य प्रदेश। एडीजी रीवा जोन केपी वेंकटेश्वर राव व एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर शहर की चाक चौबंद व्यवस्था में पुलिस महकमे ने दिखाई सख्ती। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के रीवा दौरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शहर में बनाए गए चेक पॉइंट्स, पुलिस पे आने और जाने व्यक्तियों के वाहनों की चेकिंग हो रही है। संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर थाने ले जाकर जांच भी की जा रही है। एडीजी और एसपी के निर्देश पर आज सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने शहर में बनाए गए 12 स्थायी और 4 टेम्परेरी चेक पॉइंट का निरीक्षण किया। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिया। सीएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि चेक पॉइंट वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बनाए गए हैं। वीवीआईपी के आगमन को ध्यान में रखते हुए एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी चेक पॉइंट में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जा रही है। अगर वाहन चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। जी हाँ, वीवीआईपी के आगमन को देखते हुए शहर में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और ये सारे चेकिंग पॉइंट वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बनाए गए हैं और शहर में कुल 12 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि शहर के प्रवेश स्थल पर एंट्री के जो बॉर्डर एंट्री है वहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा शहर में 4 और चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जो क्रमशः सिरमौर चौराह, शिल्पी प्लाजा, समान तिराहा और कुतवाली क्षेत्र में भी बनाए गए हैं। और इसी तरह से हम जो वीवीआईपी आ रहे हैं उनका इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं और ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। जी हाँ, ये आउटर जो हमारे चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं वो बाहर से आने जाने वाले लोगों को चेक कर रहे हैं, रजिस्टर में उनकी एंट्री भी हो रही है, मोबाइल नंबर सहित उनकी पूरी डिटेल लिखी जा रही है। साथ ही जो इनर चेकिंग पॉइंट है हमारे जो शहर के अंदर लगे हुए हैं वहाँ पर व्हीकल चेकिंग भी हो रही है और उनकी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। चेकिंग के दौरान क्या कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई? अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उन्हें थाना लाके पूछताछ की जाती है और उनके बारे में पूरा डिटेल निकाला जाता है। अभी कोई विशेष ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया है और शेष चालानी कार्रवाइयाँ जारी है। होटल में भी चेकिंग की जा रही है? जी हाँ, होटल में भी हमारे थाना प्रभारियों द्वारा चेकिंग की जा रही है, थाना स्टाफ द्वारा लगातार डेली चेकिंग की जा रही है ताकि जो होटल में आके कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा कोई रुके ना जो कोई अनयूजुअल काम करे। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।